उस दिन पहली बार मेरी नजर अशोक पर पड़ी। मेरी आंखों के कोने से मैं सब कुछ देख रही थी, समझ रही थी। शादी मेरी एक सहेली की थी। पूरी शादी के दौरान अशोक गोयल ने एक पल के लिए भी मुझ पर से नजर नहीं हटाई। हमारी दूसरी मुलाकात जया के घर हुई। जया मेरी सहेली है। जया का पति मुकेश है, अशोक का दोस्त मुकेश आठवले। एक्सपोर्ट कंपनियां? जी, शर्ट्स एक्सपोर्ट करती है हमारी कंपनी। साउथ कॉटन तिरुपुर से आते हैं, पूरी दुनिया में जाते हैं। मैं देखती। अरे अशोक आओ ना, चाय लोगे? किसी के लिए तो आया हूँ जया भाभी। आओ अशोक बैठो। किरण, ये अशोक है मेरा खास दोस्त। नमस्ते। अशोक, ये किरण है तुम्हारे जया भाभी की सहेली। ये एक एक्सपोर्ट कंपनी में काम करती है। और किरण, ये अशोक एक केटरिंग कंपनी में मैनेजर है। जी नहीं, इत्तफाक नहीं था कि अशोक उसी समय जया और मुकेश के घर आया जब मैं वहाँ थी। ये मुलाकात जया ने पहले से ही प्लान की थी। ये बात मुझे बाद में समझ आई जब मैं और अशोक मिलने लगे थे। अच्छा एक बात बताओ, उस दिन रवि की शादी में तुम मुझ पे लट्टू हो गई थी ना? बिल्कुल भी नहीं, तुम तो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे वो नहीं होते रोड साइड रोमियो जिसके साथ पहली नजर में तुम्हें प्यार हो गया और दूसरी मुलाकात में तुमने उसे अपना मोबाइल नंबर दे दिया। अच्छा ठीक है, तुम मुझे अच्छे लगे थे लेकिन शादी पर नहीं, जा तुम मुझे टुकुर देख रहे थे जया के घर। पहले तुम मुझे डिसेंट लगे फिर अच्छे। उस दिन जब मैं तुम्हें देख रहा था तो तुम्हारे सिवा मुझे भी कोई देख रहा था। कौन? तुम्हारी सहेली जया। चलो अच्छा है, आखिर कोई तो पसंद आई। क्या बाबा घूरा जा रहा था उस लड़की को? क्या जया भाभी क्या बोल रही हैं आप, मैं किसी लड़की वड़की को नहीं घूर रहा था। वैसे उसकी शादी नहीं हुई है और कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। आपको कैसे पता? सहेली है मेरी। ओहो, तो जया के यहाँ वो मिलना इत्तफाक नहीं था? हाँ, पर शादी में मिलना इत्तफाक था। हमारी दूसरी मुलाकात साजिश थी। इस साजिश को लेकर मुझे छोड़ तो नहीं दोगी ना? अब इतनी बुरी फंस गई हूँ कि चाहकर भी निकल नहीं सकती तुम्हारी साजिश वाली जाल से। वैसे मैंने जया भाभी को बोला था हमें मिलवाने के लिए। मुझे इस मिलने से कोई एतराज नहीं है अशोक, तुमने जो किया बिल्कुल ठीक किया। अब मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ। जी मैं केटरिंग कंपनी मैनेजर हूँ, दहीसर में ऑफिस है, नीतिका केटरिंग सर्विसेज। काफी सालों से मैं वहाँ काम कर रहा हूँ। अच्छा है, अच्छा चल जाता है मेरा। किरण ने बताया था तुम्हारे माता पिता के बारे में। जी हाँ, मैं 8 साल का था जब दोनों चल बसे, तब से मैंने ही अपने आप को बड़ा किया अंकल जी। लेकिन कोई तो रिश्तेदार रहे होंगे तुम्हारे। आंटी जी जब बुरा वक्त आता है तो अक्सर रिश्तेदार आपको बोझ समझते हैं। मेरे साथ कुछ अलग नहीं हुआ, बचपन में उन्होंने मुझे बुलाया तो होश संभालते ही मैंने उन्हें। पर अगर आप लोग चाहें तो मेरे रिश्तेदार बन सकते हैं। मुझे और मेरे माँ बाप को अशोक के अतीत पर शक करने का कोई कारण नजर नहीं आया और उसकी मौजूदा सच्चाई तो हमारे सामने ही थी। लेकिन जब अशोक की सच्चाई ने हमें चूर चूर कर दिया तब अशोक और मेरी शादी हो चुकी थी। शादी के 6 महीने बाद जब किरण 4 महीने की प्रेग्नेंट थी तब उसकी दुनिया तहस नहस हो गई। अंधेरे में से एक तीर चला और किरण के भरोसे को चीर गया। ये तीर उस पर्दे को फाड़ गया जिसके पीछे छुपा था एक खामोश झूठ, एक शातिर ठोंक। अरे यार किरण, एक ही बात कितनी बार बोलूं? 4वां महीना चल रहा है तुम्हारा, अब नहीं करते ऐसी पहलवानी। आओ बैठो आराम से। अब तुम ऑफिस से भी छुट्टी ले ही लो। तुम ना बहुत परेशान हो जाते हो, लोग 8वें महीने तक काम करते हैं, मैं आराम से 3-4 महीने और काम कर सकती हूँ। सिर्फ ऑफिस में जाकर पैसे कमाना काम नहीं होता, और मैं तो ठीक ठाक कमा ही रहा हूँ ना। तुम इस वक्त सिर्फ इसको संभालो,
इस वक्त इससे बड़ा काम दुनिया में कोई नहीं है। और जरा सोचो क्या बोनस मिलेगा हमें। इस वक्त कौन हो सकता है? तुमने किराने वाले से कुछ मंगाया है क्या? नहीं तो। अशोक गोयल जी, सारे घर की तलाशी लो। अरे और सामने से क्या बात है? आप लोग कौन है मैडम? क्राइम ब्रांच। आप हमारे घर की तलाशी क्यों ले रही है मैडम? प्लीज मैडम, आप बोलेंगी भी? मैडम गन मिल गया। अशोक ये हमारे घर पे कैसे? वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ किरण। मैडम ये क्या हो रहा है? पर ये गन यहाँ कैसे? ये गन यहाँ कैसे है ये तुम पूछ रहे हो मिस्टर अशोक गोयल? इतनी बुरी याददाश्त है तुम्हारी? कल रात की बात याद नहीं है जब ये गन तुमने खुद खरीदी थी? इसमें सिर्फ जोर है, शोर नहीं। अब्दुल उस्मानी बंदूक बेचने वाला हमारी कस्टडी में, हमने थोड़ा जोर आजमाया, उसने बड़ा शोर मचाया और उस शोर के उपज तुम। आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, ये झूठ है। मैडम मेरे पति एक केटरिंग कंपनी में मैनेजर है, वो गन क्यों खरीदेंगे मैडम? वही तो हम जानना चाहते हैं, क्यों? मैडम जी वो अब्दुल उस्मानी है, घोड़े बेचने वाला, उसने कल रात 2 इम्पोर्टेड पीस बेचा है। किसे बेची गोविंद, नाम बता। अब वो तो नहीं पता मैडम जी, पर ये खबर पक्की है कि उसके 2 गन्स गए। कांड तो पता होगा, कुछ तो आइडिया होगा गोविंद। मैडम जी अगर आइडिया होगा किसी को तो अब्दुल उस्मानी को होगा, इधर चेंबूर में गीता बार में बैठा है, एक क्वार्टर डाउन है, फटाफट उठवाओ और खुलवाओ। अब्दुल ने हमें तुम तक पहुंचाया है, अब तुम मिस्टर अशोक गोयल हमें इस कांड तक पहुंचाओगे जिसके लिए तुमने 2 गन्स खरीदी। मैडम मैंने कोई गन नहीं खरीदी। लूट थी, सुपारी थी, क्या था बोल। मैडम मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करती आप? ठीक है तो अब हम करेंगे। मैडम 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 आपको आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है मैडम, मेरे पति कभी ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज। अशोक आप लोगों ने जानबूझकर बंदूक मेरे घर में डाली थी ना मुझे फंसाने के लिए। मैडम आप लोग गलत कर रहे हैं, छोड़िए इन्हें। नाम क्या है तुम्हारा? किरण, मिसेस किरण गोयल। मिसेस किरण गोयल, तुम अपने पति का ढोंग नहीं समझ पाई हो या फिर समझ कर हमारे साथ ढोंग कर रही हो। मैडम अशोक मैं भगवान की कसम खा रहा हूँ किरण, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझे नहीं पता वो गन हमारे घर में कैसे आ गया। तो अशोक ये लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं? भगवान ही जाने, कोई बहुत बड़ा झोल है, मैंने कोई गन वो नहीं खरीदी यार। मैडम मैं गारंटी दे सकती हूँ अपने हस्बैंड की, जरूर आप लोगों की तरफ से कोई गलती हुई है मैडम। अच्छा मैडम लॉजिक लगाइए ना, जैसे मैंने आपको कहा था नितिका केटरिंग में काम करने वाला आदमी गन क्यों खरीदेगा मैडम? मैडम दूसरा भी कस्टडी में आ गया है। तो मुकेश आठवले को तो जानती हो ना? मुकेश तुम्हारे पति का पार्टनर है, दोनों ने मिलकर गन्स खरीद। ये वाली मेरा दिल भी इसी पे आया है। दिल की सुनिए जनाब, दिल की 2 ही पीस हैं ऐसे, ऐसी माशूका ना ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। कितने पड़ेगी? अरे मुकेश भाई आपको और अशोक भाई को गन मां की आप पहली बार दिखा रहा हूँ और आप भी पहले मेरे से माल खरीद चुके हैं, पैसे वैसे हटाइए, मैं तो कहता हूँ ऐसे ही ले जाइए, खामोश माशूका है। तुम्हारे पति अशोक और मुकेश ने मिलकर कई सारे जुर्म किए लेकिन इस बार जुर्म करने से पहले ही हमने उन्हें धर लिया। ये तुम्हारे हस्बैंड के जुर्मों का चिट्ठा है, एक एक जुर्म को हमने अच्छी तरह से स्कैन किया और उसके बाद तुम्हारे घर पे रेड की। सब 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 मारेगा साहब,
पहला झूठी बोलेगा साहब। देख अब्दुल सीधी तरह से नाम बोल दे, ज्यादा ड्रामा मत कर। एक का नाम है अशोक गोयल, दूसरे का नाम है मुकेश आठवले। कौन है ये दोनों? पुराने चावल है मैडम, हिस्ट्री शीटर है दोनों। द होप जुवेनाइल होम सायन, पायधोनी जेल, थाने जेल, तालोजा जेल। और मुकेश भी कुछ कम नहीं, दोनों की दोस्ती जेल में ही हुई थी। पहली बार मां बनने जा रही किरण ने पहली बार इतना बड़ा धोखा भी खाया था। सारे पुलिस रिकॉर्ड्स के बावजूद भी किरण को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस आदमी से उसे प्यार हुआ था, जिससे उसने शादी की थी, जिसका अंश उसके अंदर पल रहा था, वो आदमी वो था ही नहीं, वो तो कोई और ही था, एक हिस्ट्री शीटर क्रिमिनल जिसका जुर्म से रिश्ता बचपन से जुड़ा हुआ था। 14 साल पहले 14 वर्षीय अशोक मध्य प्रदेश के रायसेन कस्बे से भागा था एक बेहतर जिंदगी का सपना पूरा करने। अशोक के हिसाब से बेहतर जिंदगी वो थी जहां काम कम से कम हो, पैसा ज्यादा से ज्यादा हो और रास्ता सबसे आसान हो। मुंबई पहुंचकर उसने काफी जल्दी समझ लिया था कि इस शहर में गुजारा करना बाएं हाथ का खेल है, पर अय्याशी के लिए बड़ा हाथ मारना पड़ेगा। साला टेबलों पर पोछा मार मार कर अपनी जिंदगी पोछे जैसी हो गई है। दीपक भाई, ये पोछे को फेंक कर अब हाथ मारने का टाइम आ गया है, बड़ा हाथ। पर दीपक भाई, पंकज भाई, पुलिस का क्या करेंगे? वो फिल्मों में कहते हैं ना, कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। एक और डायलॉग होता है फिल्म में, जो डर गया वो मर गया। क्यों पंकज? एकदम ठीक कहा दीपक भाई। देख भाई अशोक, ये बड़ा हाथ इतना बड़ा होना चाहिए ना कि दुनिया इन हाथों में आ जाए और हम पुलिस के हाथ कभी ना आए। देख पंकज, ऐसा हाथ आसान कैच की तरह अपनी तरफ आ रहा है। सेठा निकल मायके जा रही है, मतलब अपना सेठ पूरा दिन बियर बार में चिपका बैठेगा। उनका लड़का चला जाएगा दोस्तों के साथ लौंडीबाजी करने। सेठ का घर और तिजोरी अपने लिए खुला मैदान है। आपको ये सब कैसे पता है दीपक भाई? सेठ का ड्राइवर अनवर बोला मेरे को, लूट का हिस्सा लेगा वो। बड़ा हाथ मारना है तो बड़े लोगों के छोटे लोगों से हाथ मिलाना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई। आज की रात अपनी बड़ी रात है। अब देखना अपनी बड़ी टिकट कटेगी। दीपक, पंकज और अशोक इस चोरी के तुरंत बाद पकड़े गए। क्योंकि अशोक नाबालिग था इसलिए उसे जुविनाइल होम भेजा गया। जिंदगी के जंगल में भूखे जानवर अशोक ने जुर्म का खून चखा था। मेहनत और ईमानदारी की रोटी उसे अब रास नहीं आती, उसे बस इजी मनी की भूख थी। वो लूट और चोरी के लिए घात लगाए बैठने लगा। पूरे महाराष्ट्र में ऐसी कोई जेल नहीं जहां तुम्हारे हस्बैंड का कोई साथीदार ना। मुकेश और अशोक की दोस्ती भी अंजेवाड़ा सेंट्रल जेल में ही हुई थी। चोरी? और तुम? एक बंदे का हाथ काट डाला, पुरानी दुश्मनी थी। ऐसे तूने क्या चुराया? गरम गरम रोकड़ा। कुछ ऐश किया क्या? बिल्कुल नहीं। तेरी पुलिस ले गए सारा? नहीं, मैंने उनको बोला कि सारे के सारे खर्च हो गए, लेकिन सारे छिपा कर रखे। ओ तेरी, क्या करेगा भाई उनका? कंपनी खोलने का प्लान है दोस्त, जहाँ 6-7 लड़के होंगे, अच्छे हथियार हो, अड्डा हो और अपनी कुछ खबरी। मैनेजर की नौकरी मुझको ही देना। अरे पहले बाहर तो निकल लें भाई। अरे भाई, कोई जेल अपन से इतना प्यार थोड़ा ही करता है कि जिंदगी भर सलाखों में लिपटे रहे। जब दोनों बाहर होंगे तब बात करते हैं। अगर कुंडली मिली तो जोड़ी बनेगी, और नहीं मिली तो राम राम। अशोक और मुकेश की कुंडली मिली। पिछले 2 साल से दोनों साथ काम कर रहे हैं। किरण, मुझे तो कभी डाउट नहीं था, और तुम्हें भी नहीं होना चाहिए, कि तुम्हारा हस्बैंड एक छटा हुआ क्रिमिनल है। अब एक सिंपल सवाल, क्या इस ढोंगी पति के साथ रहकर तुम भी ढोंगी बन गई हो? क्या तुम सब जानती हो
फिर भी अनजान बनने की एक्टिंग कर रही हो? क्या तुम्हें पता है कि ये गन्स क्यों खरीदे गए थे? नहीं मैडम, मेरी बेटी कभी झूठ नहीं बोलती। और हम में से किसी को भी ये बात मालूम नहीं थी? होती तो फिर ये शादी नहीं होती। देखिए मैडम, हम अमीर नहीं है मैडम, पर ईमानदार हैं, इज्जतदार हैं। मैं अपनी बेटी को किसी क्रिमिनल के साथ कभी आगे बढ़ने नहीं देता। देखो मुकेश, अशोक तुम्हारी बीवी का प्यार व्यार का मामला था, इसलिए तुम्हारा ढोंग उसके साथ चल गया। लेकिन मेरे साथ ऐसा कोई चांस नहीं है, इसलिए जितना जल्दी तुम अपना मुंह खोलोगे उतना कम हम तुम्हें खोलेंगे। अब बोल, क्यों खरीदे थे वो गन्स? इससे अच्छा टाइम नहीं हो सकता। सीसीटीवी का काम चालू है पर शुरू नहीं हुआ है, हम आराम से अंदर आ जा सकते हैं। वो तो ठीक है अशोक, लेकिन वो सिक्योरिटी वाला रात भर बैठा रहेगा, उसका क्या? जान का खतरा होगा तो बैठा ही रहेगा, एक इंच तक नहीं हिलेगा। वो भी है, हम एक कहनों की दुकान लूटने वाले थे मैडम। वो बंदूकें सिर्फ डराने के लिए खरीदी थी उस सिक्योरिटी वाले को। अगर वो सिक्योरिटी वाला नहीं डरता तो क्या करते तुम दोनों? गोली नहीं चलाते मैडम। जब गोली नहीं चलानी थी तो असली बंदूकें क्यों खरीदी, वो भी लोडेड? तुम दोनों बिना पलक झपकाए उसे गोली मार देते। और अगर साले ने हीरो बनने की कोशिश की तो वहीं ढेर करके जीरो कर देंगे। धाम धाम धाम, खेल खत्म, कोई सबूत नहीं मिलेगा। हाँ लेकिन धाम 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 सुनाई नहीं देना चाहिए ना, साइलेंसर वाले गन लेने होंगे। सावंत, जिस दुकान को लूटने का इनका प्लान था, इन दोनों को वहां ले जाओ। वहां आसपास के सीसीटीवी कैमरास की फुटेज चेक करो। जब ये दोनों मुआयना करने गए थे तो सीसीटीवी कैमरा ने इन्हें पकड़ा जरूर होगा। यस मैम। और हाँ, वो अब्दुल उस्मानी का स्टेटमेंट भी ले लेना। यस मैम। अशोक और मुकेश ने ज्वेलरी शॉप लूटने के प्लान को कबूल किया और उन्हें आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। अब उन्हें कानून के सामने पेश किया जाने वाला था, लेकिन इन दोनों के लिए कानून का यह कटघरा नया नहीं था, लेकिन अशोक की पत्नी किरण के लिए यह सब कुछ नया था। किरण एक ऐसी असलियत का सामना कर रही थी जो उसने कभी सपने में भी नहीं देखी थी। तुम जैसी दोस्त हो ना जया, तो किसी को दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। माना कि तुम अशोक को अपना भाई मानती हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं थी क्या जया? एक औरत होने के नाते भी तुमने नहीं सोचा मुझ पर, मेरे माँ बाप पर क्या बीतेगी? किरण, अशोक और मुकेश ने मुझसे वादा किया था कि वो ये लाइन छोड़ देंगे, और जब अशोक तुम्हारे लिए सीरियस हुआ था ना, तो उसने मुझसे खुद कहा था कि वो कोई गलत काम नहीं करेगा। और तुमने मान लिया जया? और मेरा क्या, मुझे अंधेरे में क्यों रखा तुमने? मेरे पति की तरह तुम्हारा पति भी एक क्रिमिनल है। शायद तुम्हें एतराज नहीं होगा एक क्रिमिनल की बीवी कहलाने में, पर मुझे है। मेरा रिश्ता एक क्रिमिनल के साथ क्यों बंधवाया तुमने? किरण, अगर रिश्ते बनवाने की ताकत होती ना मुझमें, तो मैं अपने पति का जुर्म से कब का रिश्ता तुड़वा देती। अशोक का प्यार अगर एक तरफा होता तो मैं कभी बढ़ावा नहीं देती, पर प्यार तो तुम्हें भी हुआ था ना उससे। प्यार जय, वो प्यार नहीं, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी जिसकी सजा मुझे जिंदगी भर भुगतनी पड़ेगी। मम्मी पापा, भूल मुझसे हुई है और अब इसका सामना भी मैं ही करूंगी। किरण, एक दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें यह कह सकता हूं कि यह वक्त सामना करने का नहीं है, सामने देखने का है, आगे देखने का है। अतीत की भूल को भूल जाओ। क्या भूल जाऊं मैं बादल, क्या आगे देखूं मैं? क्या है मेरे पास आगे देखने को? अगर मुझे आगे देखना ही था तो मुझे तब देखना चाहिए था जब तुमने मुझे अशोक के बारे में वार्निंग दी थी। शक के सारे सुराग मेरी आंखों के सामने थे, पर मेरी आंखों पर तो प्यार की पट्टी बंधी थी।
किरण, अब तुम मुझे सच्चा दोस्त मानती हो? ऑफ कोर्स मानती हूँ बादल, क्या बात है, खुलकर बोलो। अब किरण, ये अशोक तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। क्यों बादल? कहता है बचपन में एक ही टाइम में दोनों माँ बाप मर गए, फिर 8 साल की उम्र से ढाबों और रेस्टोरेंट में काम किया, फिर एक केटरिंग कंपनी का मैनेजर बन गया और आज तुम्हारे लिए एक घर भी लिया किराए पे। बस ये कहानी फिल्मी लगती है, वो भी 80 के दशक। बादल गलत नहीं कह रहा है किरण, मुझे भी कुछ अटपटा सा लगता है। जैसे कि? देख, बात जैसे कि नहीं है, ज़्यादा डिफेंसिव मत हो, ठंडे दिमाग से सोच। उसने कहा कि उसकी महीने की सैलरी 15,000 रुपये है, राइट? रॉन्ग, अब 20,000 हो गई है। ओके फाइन, 20 हो गई है, रहन सहन भी सही है, आफ्टर मैरिज के लिए उसने घर भी किराए पे ले लिया। लेकिन मोबाइल, आजकल के ज़माने में मोबाइल कौन नहीं रखता यार। मुझे पता था ये बात तो उठेगी उठेगी, पर मैं सच बोलूँ अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता यार, वो औरों से बहुत अलग है और यही उसकी खूबी है। ऐसा यार कि काम के वक्त मुझे फ़ोन की ज़रूरत नहीं होती और काम हो जाने के बाद मुझे काम वालों की ज़रूरत नहीं होती। ड्यूटी के बाद कोई भी ऑफिस से मुझे फ़ोन करे, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं भी। तुम कोई काम हो क्या? तुम तो जिंदगी हो जिंदगी, और जिंदगी को कोई फोन करके मिलता है क्या? अच्छा एक बात बताओ, ऐसा एक भी बार हुआ है जब मैंने मिलने का वादा किया हो और 1 मिनट भी लेट हुआ हो? नहीं। तो जब भी तुम्हें मुझसे मिलने का मन करे, अपनी आंखें बंद करके मुझे याद करना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। तुम्हारे मेरे बीच में फोन का क्या काम? गोली मारा साले को। देखो बेटा किरण, हमें अशोक से कोई एतराज नहीं है। लेकिन तुम उसके बारे में उतना ही जानती हो जितना हम जानते हैं, और वो बहुत ज्यादा नहीं है। प्यार बहुत ज्यादा है माँ, दोनों तरफ से। फिर तो आगे कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। तुम अपनी जिंदगी उसके साथ बांटना चाहती हो और वो भी यही चाहता है। तुम समझदार हो, तुमने आज तक कभी कोई गलत फैसला नहीं लिया, तो फिर इतना बड़ा फैसला लेने में कैसे चूकोगी? मैं चूक गई पापा, मैं चूक गई। कैसी बात कर रही है बेटा, तेरी चूक कहाँ हुई? अरे अगर कोई अपने अतीत के बारे में झूठ बोलता है, अपनी असलियत चालाकी से छुपाता है, तो फिर तेरी गलती कहाँ है? नहीं पापा, और मैं अपनी गलती की सजा अपने होने वाले बच्चे को नहीं दे सकती। अशोक इसका बाप है, ये कोई नहीं बदल सकता पापा। बेटा किरण, तू उससे एक बार मिल ले। मैं उसकी हिमायत नहीं कर रहा हूं बेटा, पति है वो तेरा, तेरे होने वाले बच्चे का बाप है, तू प्यार करती थी कभी उससे, ऐसे रिश्ते अधूरे में नहीं छोड़े जाते बेटा। और अगर तोड़ना ही है तो एक आखिरी बार उससे मिल ले, अपनी बात कह ले, उसकी बात सुन ले, फिर तुझे जैसा ठीक लगे। अशोक चलो। मुझे माफ कर दो किरण, मैंने तुमसे झूठ बोला। मुझे हमारे लिए बेहतर जिंदगी चाहिए थी। झूठ, माफी भी झूठी अशोक। तुम सिर्फ एक चीज चाहते हो, वो है जुर्म करना। बचपन से जुर्म करते आए हो ना तुम, घर से भागे भी जुर्म करने के लिए। कितनी बार तुम्हें सजा हुई अशोक, फिर भी नहीं सुधरे तुम। मैं, हमारा बच्चा कोई मायने नहीं रखता तुम्हारे लिए। छूना मत, छूना मत तुम मुझे अशोक। किरण, किरण मैं तुम्हारा हर इल्जाम कबूल करता हूं, पर मैं वादा करता हूं ये लाइन हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। तुमने जुर्म छोड़ दिया तो क्या अशोक, तुम्हारे अतीत का क्या? मुझे नहीं कहलाना किसी क्रिमिनल की बीवी अशोक। मैं नहीं चाहती कोई मेरे बच्चे को बोले तेरा बाप क्रिमिनल है। ऐसा कभी नहीं होगा किरण, मैं इसकी कसम। नहीं, बच्चे की कसम खाई ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा अशोक, समझे तो। अच्छा अच्छा, चिल्लाओ नहीं। देखो
देखो, इस सजा के साथ मैं अपना सारा अतीत गाड़ दूंगा, वादा है मेरा। हम कहीं और जाकर बसेंगे, हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। किसी को भनक तक नहीं लगेगी कि मेरा ऐसा भी कोई अतीत था। बस एक बार दिल पर पत्थर रखकर मुझे माफ कर दो, प्यार करता हूं तुमसे, इस जिंदगी से एक मौका दे दो करे, सिर्फ एक मौका किरण, एक मौका दे दो करे प्लीज। किरण, मैं ये वादा कभी नहीं टूटने दूंगा, बस मेरी मदद कर रहा हूं अपने आप को सुधारने में और हमारी जिंदगी सुधारने में। मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। किरण, मैं उम्मीद करती हूं कि तुम अपने पति को सुधारने में कामयाब हो जाओ, क्योंकि ये तुम्हारे लिए और तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। मैं जान लगा दूंगी मैडम, लेकिन एक बात याद रखना, ये बेल ज्यादा दिन नहीं चलेगी। तुम्हारे पति को एक न एक दिन जेल जाकर अपनी सजा काटनी होगी। किरण, अब तो बस करो यार, छठा महीना चल रहा है, मैं काम शुरू कर रहा हूं ना, वैसे आ जाएंगे। तुम काम शुरू करोगे और काम पर पैर जमाने से पहले ही तुम्हारी बेल खत्म हो जाएगी, और मुकदमे का नतीजा तो लगभग आ ही चुका है ना, तुम्हें जेल तो होकर ही रहेगी। ऐसे में मेरा जॉब छोड़ना बनता नहीं है अशोक, हम खाएंगे क्या? ताज्जुब होता है किरण कि फिर से तुमने उस आदमी पे भरोसा कैसे कर लिया। मैंने उससे सच्चा प्यार किया है बादल, और प्यार सब कुछ सिखा देता है, भरोसा, ताकत, हिम्मत, सब कुछ। लो बेटा। मैं जल्दी लौटा दूंगी पापा, मैं समझ सकती हूँ इसका इंतजाम करना आपके लिए कितना मुश्किल रहा होगा। कैसी बात करिए बेटा, तू तो पहले से मेरी समझदार बेटी है, समझना तो उस अशोक को चाहिए कि तू उसकी बेल के लिए कितना कुछ कर रही है, पर बेटा ये सब कुछ उसे जेल जाने से रोक नहीं सकेगा। अशोक इस बात को समझता है पापा। पर बेटा अशोक से ज्यादा इस बात को तुझे समझने की जरूरत है। मैंने नाम सोचा है, राज कैसा रहेगा? सजा 1 साल की है। मेरी सजा पूरी होने तक क्या किरण और राज आप लोगों के साथ रह सकते हैं? मेरे अंदर एक पत्नी थी, एक माँ थी जो अशोक को माफ नहीं कर पा रही थी, पर मेरे अंदर एक लड़की भी थी जिसका पहला प्यार था अशोक, और पहले प्यार को भुलाना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। क्या मेरे अंदर अशोक को प्यार करने वाली लड़की ने मेरे अंदर की पत्नी और माँ की मदद की? क्या मेरे अंदर माँ बाप के प्यार के अलावा अशोक के लिए प्यार था जिससे मैं अपने बच्चे को बड़ा कर सकी? मेरे माँ बाप के साथ मेरे दोस्त मेरा सहारा बने, सभी मेरे दर्द से वाकिफ थे, सभी दिल खोल कर सहानुभूति दे रहे थे। मेरे दोस्त बादल और शर्मिला और मेरे माँ बाप, ये मेरी और मेरे राज की दुनिया बन गए। अशोक, आई एम सॉरी, मैं फिर से तुम्हारी बेल नहीं करवा पाई, वो डिपॉजिट के पैसे ही जमा नहीं हुए। अच्छा, तुम्हारे बाबा ने कोई मदद नहीं की? पिछली बार उनसे लिए थे अशोक, मैं फिर से मांग नहीं पाई उनसे। आज तक तो झूठ मैं बोला करता था किरण, ये बुरी आदत तुमने कब से पाल ली? मैंने क्या झूठ बोला अशोक?
मेरे पास सच में पैसे नहीं है डिपॉजिट के। झूठ है ये। सच तो ये है कि तुम सच में नहीं चाहती कि मैं इस कैद से बाहर निकलूं। तुम अब भी गुस्सा हो ना मुझ पर, बड़े दिल से माफ नहीं कर पाई हो ना। तुम मुझे तड़पाना चाहती हो ताकि मुझे मेरे बच्चे का सुख ना मिले और मेरे राज को उसके बाप का प्यार। ऐसी वाहियात बातें तुम कैसे कर सकते हो अशोक? क्योंकि तुम पूरी कोशिश नहीं कर रही मुझे यहाँ से निकालने की। तुम खुद जिम्मेदार हो अपने आप को यहाँ पहुँचाने के लिए, समझे तुम? मैं बुरा, तुम अच्छी, तुम्हारे माँ बाप अच्छे, तुम्हारे दोस्त अच्छे, खुश। अरे बोल दो ना सच सच की नहीं माफ किया है, नहीं चाहिए तुम्हारे प्यार, मत देखो सपने राज के। सामने से सच बोल दो ना किरण। क्या अशोक और मेरे बीच पहले जैसा रिश्ता हो पाएगा? मुमकिन है, मेरे परेशान होने की अब ठोस वजह थी। क्लियत को देखो और समझो किरण, तुम दोनों के रिश्ते फिर से नॉर्मल कैसे हो सकते? ऐसे मत कहो प्लीज। तुम्हें हर्ट करना या फिर तुम्हें डिप्रेस करना मेरा इंटेंशन नहीं है, पर सोचो उसकी रिहाई के लिए अभी काफी वक्त है। तुम कितनी बार बेल एप्लीकेशन मांगती रहोगी? बेल फ्री तो नहीं होती, सस्ती भी नहीं होती। पर वो आजाद तो हो जाता है ना। अगर उसे आजादी इतनी पसंद थी तो फिर वो ऐसा काम करता क्यों है जिससे उसकी आजादी छीन जाए? बचपन में जुविनाइल होम्स, उसके बाद न जाने कितने जेलों के अंदर बाहर आता जाता रहा ये आदमी। अगर वो इमोशनल ब्लैकमेल करता है तो उसे एक रेड फ्लैग समझो किरण। तू एक बार दिल से नहीं सोच के दिमाग से सोच, ठंडे और क्लियर दिमाग से सोच, क्या ये आदमी कभी भी सुधर सकता है? नहीं मम्मी नहीं चलते, नहीं चलते। राजा बेटा मेरा, अच्छा आजा आजा। देखो देखो बेटा। मम्मी ना किसी काम से बाहर जा रही है, तब तक आप नानी माँ के साथ खेलोगे? अब पापा मैंने मकान मालिक से बात कर ली है, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा, कल तक आ जाएगा। कोई बात नहीं बेटा, जब तक घर की चाबियां नहीं आ जाती अशोक तुम दोनों के साथ यहीं रह सकता है। और बेटा गुस्सा और जुबान दोनों पे काबू रखना, एक साल के बाद वो रिहा होकर घर वापस आ रहा है, ला इसको दे दे। अली बेटा चोनो चोनो, राजा बेटा नानी के पास आ जा। पिछले महीने एक बार भी मिलने नहीं आई तुम। बहुत काम था अशोक, और फिर आज भी बड़ा हो रहा है। सुनो अब तुम ये जॉब छोड़ दो। तुम अभी जेल से निकले हो अशोक, तुम्हारे हाथ में कोई नौकरी भी नहीं है। वो भी मिल जाएगी यार, हम कल ही अपने घर जाएंगे कल्याण, मैं अब तुम दोनों की देखभाल करूंगा। एक बार तुम्हें ढंग की नौकरी मिल जाए, दो चार महीने सेट हो जाओ तुम नई जॉब पर, फिर सोचूंगी जॉब छोड़ने के बारे में। अरे यार ऐसा भी क्या है वहाँ? वहाँ लोगों के एहसान है मुझ पर अशोक। तुम्हारे कहने पर पहले भी मैंने एक बार नौकरी छोड़ी थी, बड़ी मुश्किल से मेरी बॉस ने वापस मुझे जॉब पर लिया है, हर बार ऐसा नहीं होगा। मैं अभी जॉब नहीं छोड़ूंगी अशोक, प्लीज समझने की कोशिश करो। मजा आता ना तुम्हें मुझ पर एहसान जताने का, लोगों की मेहरबानियाँ गिनवाने का। तुम पर एहसान, मुझ पर भी एहसान है अशोक, और किसको मजा आता है एहसान लेने में? एक सिंपल सी प्रैक्टिकल सी बात है, तुम समझ ही नहीं रहे हो। अशोक मुझे जॉब करना है सिर्फ तुम्हें पक्की नौकरी मिलने तक। एक बार तुम्हें ढंग की नौकरी मिल जाए मैं खुद सामने से इस्तीफा दूंगी और फुल टाइम राज की देखभाल करूंगी। भरोसा एक बार टूटता है तो रिश्ता पहले जैसा कभी नहीं हो सकता। मेरे और अशोक का रिश्ता झूठ की नींव पर खड़ा था जो धस गया था। प्यार भी अब कम होता चला गया, अतीत के झूठ भविष्य के भूत बन जाते हैं, कभी पीछा नहीं छोड़ते।
किरण कहाँ है अशोक? कहाँ है का क्या मतलब? मुझे क्या मालूम होगा कहाँ है वो? किरण कल दोपहर को घर से निकली थी, तभी से उसका फोन ऑफ है, रात भर से घर लौटी नहीं है वो। माँ मैं अपने फ्रेंड से मिलने वाली हूँ, उसके साथ कल्याण जाऊंगी और फिर रात को उसी के घर रुक जाऊंगी, कल सुबह लौटूंगी। हाँ लेकिन बेटा कौन से दोस्त से मिलने जा रही हो? है एक माँ, चलती हूँ। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। किरण ने कहा था कि वो कल्याण जा रही है। मैं क्या अकेले रहता हूँ कल्याण में? तुम्हारे पास नहीं आई तो फिर कहाँ गई? मैं क्या जानूं, मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि वो यहाँ आ रही है। आखिर गई कहाँ वो? देखिए जहां भी गई हो उसे ढूंढना तो पड़ेगा ही। हमें फौरन पुलिस के पास जाना चाहिए, रात भर से बाहर रही है वो और उसका फोन भी ऑफ है। दावे के साथ तो नहीं कह सकते, बॉडी काफी गल चुकी है, सुसाइड केस लगता है। नहीं नहीं तो फिर वो बॉडी किसी और की होगी, मेरी बेटी किरण सुसाइड कर ही नहीं सकती। देखिए वो सुसाइड कर सकती है या नहीं इस बात पे हम बाद में बात करेंगे, पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ आके बॉडी की शिनाख्त कीजिए। उम्र करीब 26-28 साल है जो आपने बताया था और हाइट भी मैच होती है। आज सुबह मर के बीच पे बॉडी बह के आई थी, आप लोग जल्द से जल्द मॉर्ग आ जाइए। किरण के फोटोग्राफ्स को हमने सभी पुलिस स्टेशन में भेज दिया है और ये रहे उसके कॉल रिकॉर्ड्स। आपको किरण के बारे में कुछ खबर मिली? उसके फोन रिकॉर्ड्स? किरण को जब आखिरी कॉल आया वो सैंटा क्रूज में, कॉल परेल से, वहाँ से वो परेल गई फिर कल्याण, और उसकी मोबाइल की आखिरी लोकेशन है इगतपुरी। कल्याण इगतपुरी? हाँ इगतपुरी। मिस्टर शर्मा, मिसेस शर्मा, वो कौन से दोस्त से मिलने गई? माँ मैं अपने फ्रेंड से मिलने वाली हूँ, उसके साथ कल्याण जाऊंगी और फिर रात को उसी के घर रुक जाऊंगी, कल सुबह लौटूंगी। हाँ लेकिन बेटा कौन से दोस्त से मिलने जा रही हो? है एक माँ, चलती हूँ। उसने कोई दोस्त का नाम तो नहीं बताया, और अगर इगतपुरी जाने वाली होती ना तो हमें जरूर बताती। उसका 2 साल का छोटा बेटा राज भी घर पे ही था, ऐसे बिना बताए हमें कहीं भी नहीं जाएगी। कल्याण में उसके पति का घर है, अशोक ने कहा कि वो वहाँ आई नहीं। उसके कॉल रिकॉर्ड्स कहते हैं कि वो कल्याण में थी, अब वो अशोक के घर थी या कहीं और थी ये तो हम बहुत जल्द पता लगा लेंगे। 3 दिन हो गए सर किरण गायब। अगर उसे कोई ज़बरदस्ती ले गया है तो उसे ढूंढना शायद आसान होगा, लेकिन अगर वो अपनी मर्जी से गई है तो तैयार रहिए, वक्त लग सकता है। पहली बात तो ये कि ये अशोक फोन क्यों नहीं रखता? लेकिन किरण ने मुझे साफ साफ कहा था कि वो कल्याण जाने वाली है। पर अशोक तो कह रहा था कि वो वहां नहीं आई, और पुलिस कह रही थी कि कल्याण में उसका कोई दूसरा दोस्त भी हो सकता है। मैं इस अशोक से फिर मिलूंगा, ये हमसे कुछ छुपा रहा है। नमस्ते अंकल। मुकेश है घर पे? मुझे नहीं पता अशोक कहाँ है, दरअसल जेल से छूटने के बाद हम दोनों ज्यादा टच में नहीं है। मुकेश 3 दिन पहले किरण ये कहकर निकली थी कि वो कल्याण जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि वो अशोक से मिलने गई होगी, पर अशोक का कहना है कि वो वहाँ आई नहीं। मैं क्या जानू, मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि वो यहाँ आ रही है। तो फिर कहाँ गई वो, ऐसे कहाँ गायब हो सकती है? सॉरी अंकल, किरण ने मुझे कई दिनों से कांटेक्ट ही नहीं किया। बादल तुम्हारे कोई ऑफिस में है जिसका घर कल्याण में हो? नहीं अंकल, मुझे तो नहीं मालूम। वैसे किरण की दोस्ती मेरे और शर्मिला के साथ ही है। फिर वो गई कहाँ? अंकल कुछ भी खबर मिले सबसे पहले मैं आपको कॉल करता हूँ। कल्याण में तो खैर अशोक रहता है, कहीं उसी से मिलने का प्लान था और घर पे बोल दिया हो बस दोस्त। मुझे तो ये अशोक पहले से गलत लगता है, क्रिमिनल बैकग्राउंड इतनी आसानी से थोड़ी जाती है। खैर वो तो है, पर वो सांता क्रूज क्यों गई होगी, किससे मिलने, कौन दोस्त है वहाँ उसका? आज तक मुझे तो कभी कोई ऐसे दोस्त के बारे में नहीं बताया। अब होगा ना कोई शर्मिला, अब सबके बारे में हमें सब कुछ तो पता नहीं चल सकता ना।
कई दिन गुजर गए लेकिन किरण की कोई खबर नहीं आ रही थी, ना तो पुलिस से और ना ही दोस्तों से। देखते देखते एक महीना निकल गया। किरण के माँ बाप कविता और मनोहर शर्मा के लिए एक एक दिन काटना मुश्किल हो रहा था, और किरण का पति अशोक किसी के भी कॉन्टैक्ट में नहीं था। और फिर अचानक एक दिन किरण के पिता मनोहर को एक फोन आया और सामने वाला किरण के बारे में पूछ रहा था। हेलो मनोहर शर्मा। हाँ जी बोल रहा हूँ, आप कौन? तुम्हारी बेटी किरण गोयल मिसिंग है। हाँ पर आप कौन बोल रहे हैं भाई? मैं PSI कोनाल सावंत, क्राइम ब्रांच से। अच्छा, आपको किरण के बारे में कोई खबर मिली क्या? जी नहीं, लेकिन उसका पति अशोक हमारी कस्टडी में है। क्या जहां तक मुझे याद है तुम्हारी एक पत्नी थी किरण, वो उस वक्त प्रेग्नेंट थी ना? अब तक तो बच्चा 2 साल का हो गया होगा। क्या नाम रखा है? राज। और तुम्हारी पत्नी वो कहाँ है? 1 महीने से तुम्हें अंदर करके रखा है, ना तुमसे मिलने आती है ना पूछताछ कर रही है। अगर उसने तुम्हें छोड़ दिया होगा तो मुझे बिल्कुल ताज्जुब नहीं होगा। मैडम वो गुमशुदा है, उसके बाबा आए थे मेरे पास ये बताने के लिए कि वो गायब हो गई है। मैं इसे ढूंढने निकलने वाला था कि आप लोगों ने धर लिया। तुम्हारी बीवी किरण वो मिसिंग है? जी मैडम वो मिसिंग है। 1 महीने से मिसिंग है? जी मैडम, किरण के पिता ने 1 महीने पहले MD चौक पुलिस स्टेशन मड में उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की थी, लेकिन पुलिस को अभी तक कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिला है। सावंत एक काम करो, किरण के पेरेंट्स को बुलाओ और इस केस के पेपर्स MD चौक पुलिस से मंगा लो। जी मैडम। मनोहर जी, कविता जी, हमने 1 महीने पहले अशोक को गिरफ्तार किया था। जी, अब क्या किया उसने? आप तो जानते हैं, पिछली बार जब हमने उसे गिरफ्तार किया था उसने बंदूकें खरीदी थी। जी हाँ। अब वो फिर से बंदूक के साथ पाया गया है। इस बार क्या प्लान था तुम्हारा अशोक? तरस आता है तुम्हारी बीवी पर, जिसने 3 साल पहले तुम्हारा ढोंग का पर्दाफाश होने के बावजूद भी तुम्हें एक और मौका दिया। तुमने सुधरने की कोशिश की होगी, लेकिन ये सुधरे हो तुम? अशोक फिर से किसी ज्वेलरी की दुकान को लूटने का प्लान बना रहा था, लेकिन इस बार उसका पार्टनर मुकेश शामिल नहीं था। आपको किरण के बारे में क्या मालूम पड़ा मैडम? जब 1 महीना पहले हम उसे गिरफ्तार करने गए तब वहां उसकी पत्नी किरण यानी कि आपकी बेटी नहीं थी। फिर 1 महीने तक अशोक से मिलने वो लॉकअप नहीं है, ना ही उसने फोन किया, तो मुझे लगा कि किरण ने अशोक को छोड़ दिया होगा। फिर मैंने अशोक से पूछा, तब उसने मुझे बताया कि किरण मिसिंग है। मैडम किरण ये कहकर गई थी कि कल्याण में किसी दोस्त की यहाँ रात को रुकने वाली है। लेकिन कल्याण में तो अशोक का घर है। उसी घर से निकली थी किरण अपने राज को लेकर। जेल में थे ना अशोक, तभी लग गया था मुझे हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। पर मुझे लगा एक मौका तो देना चाहिए तुम्हें, शायद तुम सुधर जाओ। पर नहीं, मैं गलत थी, पूरी दुनिया सही थी। नहीं नहीं किरण, मुझसे गलती हुई। किरण मुझे तुम पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। किरण लेकिन मैं बदल गया हूं, पर तुम ये देख नहीं पा रही हो। बदल तो तुम गए हो, मुझे दिख भी रहा है, पर जो दिखता है क्या कभी वो सच होता है अशोक? शादी के पहले तुम और कुछ लगते थे, शादी के बाद निकले कुछ और। तुम्हारी असलियत क्या है शायद तुम भी नहीं जानते अशोक, और मैं तो तुम्हारे झूठों तक को नहीं जानती। पर उन झूठों के बावजूद हम दोनों के बीच कभी सच्चा प्यार था अशोक, अब हमारे बीच कुछ नहीं है। नहीं किरण है, पर सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच नहीं है, वो तुम्हारे और मेरे बीच आ रहा है। कोई और, कोई तीसरा, जिसे देख देख कर तुम्हें मैं अच्छा नहीं लगता, उसके टक्कर का नहीं लगता, इसीलिए तुम मुझे बार बार दलील करती हो ना। कौन है वो? बस अशोक, सब हद पार कर दिया अब तुमने, अब हम साथ नहीं रहेंगे। मतलब तुम उसके साथ रहोगी? कब से चल रहा है मेरे पीठ पीछे ये सब? शर्म करो अशोक, थोड़ी तो शर्म करो। शर्म मुझे आनी चाहिए कि मैंने तुम जैसे आदमी को सुधरने का मौका दिया। आज से मेरे और राज की जिंदगी में कभी दखल मत देना तुम अशोक, समझे? तो पापा, मुझे नहीं लगता कि अशोक और मेरे बीच अब कुछ है या आगे कुछ हो सकता है। बेटा अगर ऐसा लिखे थे तो फिर ऐसा ही होने दो, शायद मैं गलत था जब मैंने तुमसे कहा था कि उसे एक मौका और दे दो।
आगे की सोचो बेटा, राज के इस बारे में सोचो, तुम्हारे खुद के बारे में सोचो बेटा। बुरे सपनों को याद करने से किसका भला हुआ है? तब से किरण और राज हमारे ही साथ रहने लगे। और अशोक? किरण अशोक से मिलने जाती थी कभी कभार, पर उसके साथ रहने के लिए कभी नहीं गई। और फिर एक महीना पहले वो गायब हो गई। पहले वो सांताक्रूज में किसी से मिली, फिर परेल से उसे फोन आया, वो परेल गई, वहां से कल्याण, कल्याण में रात भर रही और फिर सुबह सुबह इगतपुरी के लिए रवाना हो गई। उसका लास्ट लोकेशन इगतपुरी था। मैडम हम समझ ही नहीं पा रहे कि इतनी दूर वो इगतपुरी पहुंची कैसे। उसके फोन रिकॉर्ड्स के हिसाब से उसका लास्ट लोकेशन इगतपुरी था, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि किरण भी इगतपुरी गई थी। तो उसका फोन लेकर कोई इगतपुरी जाएगा ही क्यों? पहले आप मुझे ये बताइए, क्या ऐसा हो सकता है कि किरण कल्याण में अपने पति के घर रही होगी रात भर? पति है उसका, दोनों बीच बीच में एक दूसरे से मिलते थे। और सांताक्रूज में जिस दोस्त से वो मिली थी वो कौन है? उसके बारे में तो उसने हमें कभी नहीं बताया। जहां तक मुझे याद है और हमारी इन्वेस्टिगेशन बताती है कि किरण के बहुत ही कम दोस्त थे, सिर्फ ऑफिस में। हाँ, बादल और शर्मिला। एमडी चौक पुलिस स्टेशन मर्ड की टीम ने बादल और शर्मिला दोनों से बात की थी मैम। उन्हें कुछ नहीं पता कि किरण किससे मिली थी, उन्हें यह भी नहीं पता कि वो गायब क्यों हो गए। काश क्यों मेरे पास लौट आई होती, मैं तो हमेशा वही चाहता था। घर छोड़कर वो गई थी, लेकिन मैं मानता हूं कि खोट मुझ में ही थी। उसे ढूंढिए मैडम, मैं अब भी बहुत प्यार करता हूं किरण से। तो तुम कह रहे हो कि वो उस दिन तुमसे मिलने नहीं आई थी? नहीं मैडम। लेकिन वो तो सारी रात कल्याण में थी। पर मेरे यहां नहीं थी। तुम्हें शक है कि उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है? किसी के साथ नहीं, उसके ऑफिस में वो जो बादल है ना, उसके साथ। जी ठीक है। बादल, जिस वक्त किरण सांताक्रूज में थी उसी वक्त तुम भी सांताक्रूज में थे। एमडी चौक पुलिस स्टेशन मठ के ऑफिसर्स को तुमने झूठ बोल के गुमराह किया, लेकिन मेरे पास तुम पर भरोसा करने की कोई खास वजह नहीं है। जिस दोस्त से वो मिलने सांताक्रूज जा रही थी वो तुम ही थी ना? मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ बादल, मैं करूँ तो क्या करूँ? काश मैं तुम्हें कुछ और कह पाता, लेकिन जो सही है मैं वही कहूँगा। अब तक गलत कदम उठाते ही, अब सही रास्ता चुन, और सही रास्ते पर गलत लोगों के साथ चला नहीं जा सकता। हाँ मैम, मैं वो दोस्त था जिसे किरण सांताक्रूज में मिली थी, वो मुझसे ऑफिस के बाहर बात करना चाहती थी। क्या बात करना चाहती थी? अशोक उसे बार बार मिलने के लिए परेशान कर रहा था, फिर वो डबल माइंड हो जाती। कभी उसे लगता अभी भी प्यार है, फिर लगता नहीं वो गलत इंसान है। कभी लगता डिवोर्स ले लेनी चाहिए। किसे लगता डिवोर्स ले लेना चाहिए? तुम्हें, जो वो चाहती नहीं थी। मैम मैं बस उसे प्रैक्टिकल होने को कह रहा था। देख किरण, तू अभी यंग है, पूरी लाइफ पड़ी है तेरे साथ, तू फिर से शुरू कर सकती। छोड़ देना उसे यार, लीव हिम, तुझे ऐसे ही डिवोर्स मिल जाएगा। किरण अब तक दिल की सुनती आई है तो आज ये हालत है, अब दिमाग से सोच। जो वार्निंग की घंटियां मिल रही है ना उन्हें सुन। हेलो। हाँ बोलो। ठीक है। किसी भी अच्छे दोस्त की तरह मैं उसकी गलतियां पॉइंट आउट कर रहा था, उसे बता रहा था कि फिर से इमोशन में आकर किसी ढोंग का शिकार मत बनो। और वो नहीं मानी, और उसका नाम मानना तुम्हें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि तुम चाहते थे कि वो अशोक को छोड़कर तुम्हारा हाथ पकड़े। ये क्या कह रही हो आप मैम? मैम मैं किरण और शर्मिला काफी टाइम से एक साथ काम करते हैं, सब कुछ शेयर करते हैं, हम दोनों बहुत गहरे दोस्त हैं, और सिर्फ दोस्त, मेरी मंगनी हो चुकी है, अगले महीने मेरी शादी है, मेरे और किरण के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। तुमसे मिलने के बाद वो कहां गई थी? मुझे नहीं पता मैडम, हमारी बात होने के एंड में उसे एक कॉल आया, उसके बाद वो चली गई। मैडम मैंने पता कर लिया है, इस बादल की सगाई हो चुकी है और अगले महीने शादी भी है। इसका मतलब ये बादल वाला एंगल हम रूल आउट कर सकते हैं कि जलन या गुस्से में उसने किरण को कुछ कर दिया। जी हाँ मैडम, ये तीनों सिर्फ दोस्त हैं और कुछ नहीं,
किरण, शर्मिला और बादल। किरण एक महीने से मिसिंग है, एक महीना लंबा अरसा होता है साहब। और ये इगतपुरी वाला एंगल मैडम, एक तो किरण रात भर कल्याण में कहाँ थी और फिर दूसरे दिन इगतपुरी। उसे परेल से कॉल आया था ना, किसका था? पीसीओ से था, ट्रैक नहीं हो पाया। एमडी चौक पुलिस स्टेशन मड ने इगतपुरी पुलिस को वो एरिया स्कैन करने के लिए कहा है। इगतपुरी पुलिस वो एरिया स्कैन कर रही है। और इस अशोक का कहना है कि किरण उसके घर कल्याण कभी गई ही। झूठ बोल रहा होगा मैडम, सेलफोन नहीं है, सेलफोन रखता ही नहीं है। हिस्ट्री शीटर जो सेलफोन नहीं रखता मतलब गड़बड़ है। वो सेलफोन नहीं रखता क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता है कि बिना सेलफोन के हमारे लिए उसे ट्रेस करना कितना मुश्किल होगा। अशोक ने झूठ की नींव पर किरण के साथ अपना रिश्ता खड़ा किया था और उसका टूटना तय था। अब पुलिस को शक हो रहा था कि अशोक फिर से झूठ बोल रहा था कि वो किरण से उस दिन मिला ही नहीं जिस दिन की वो गायब हुई थी। लेकिन अशोक का अतीत और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन दोनों एक ही बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि अशोक किरण से उस दिन जरूर मिला होगा और वो जानता है कि किरण इस वक्त कहां है। तुम जानते हो अशोक मेरा प्लान क्या है, मैं तुम्हारा कीमा बनाऊंगी फिर तुम सच बोलोगे, लेकिन मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। क्या हुआ मैडम, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? उस दिन तुम किरण से मिले थे, तुमने ही उसे परेल से फोन किया था, पीसीओ से, फिर वो परेल में तुमसे मिली, तुम दोनों साथ कल्याण गए अपने घर और रात भी एक साथ गुजारी। तुमने उसे यकीन दिला दिया कि तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है, एक बार फिर उसके जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया, फिर शिरडी का बहाना बनाकर उसे इगतपुरी ले गए। वो तुम्हारी चाल को फिर से प्यार समझ बैठी, लेकिन तुमने उसे भनक तक नहीं पड़ने दी कि तुम्हारा असली इरादा क्या है। ये सच नहीं है मैडम। तुम फोन नहीं रखते क्योंकि तुम्हें लगता है कि फोन रखने से तुम पकड़े जाओगे। बिना फोन के भी तुम कई बार पकड़े जा चुके हो और इस बार भी तुम्हारा जुर्म पकड़ा गया है। जी नहीं मैडम, मैं उस दिन उससे मिला तक नहीं, मेरा यकीन कीजिए मैंने उसका मर्डर नहीं किया है। मर्डर? मर्डर की बात किसने की? लेकिन अब मैं बताती हूं, मर्डर हुआ है किरण का, जो तुमने किया। बताऊं कैसे? तुम उसे अपने साथ इगतपुरी ले गए और घाट से नीचे फेंक दिया। तुमने किरण को नींद में मारा। कत्ल को एक महीने के ऊपर हो गया है, हमें इगतपुरी के जंगल से कंकाल मिला है घाट के नीचे जहां तुमने उसे फेंक दिया था। ये चिथड़े हैं किरण के कपड़ों के, कंकाल डीएनए टेस्टिंग के लिए गया है और मुझे पूरा भरोसा है कि वो किरण का ही निकलेगा, क्योंकि जो आदमी हमें वहां ले गया था वो जानता था कि किरण को कहां मारा गया है। तुम लोगों ने उसे कहां फेंका था, तुम लोगों का प्लान क्या था, हमें सब कुछ पता चल चुका है मिस्टर अशोक गोयल। अशोक के पास सेलफोन नहीं है, क्या ऐसा हो सकता है कि वो किरण को अपने साथ इगतपुरी ले गया हो और वहां उसने उसके साथ कुछ कर दिया हो? सावंत एक आदमी है जो हमें बता सकता है कि अशोक गुनेगार है या नहीं। मुकेश आठोले घर पे हैं? जी क्या हुआ साहब? ये कोई इत्तेफाक नहीं है मुकेश, किरण के फोन की आखिरी लोकेशन और तेरे फोन की लोकेशन दोनों एक ही दिन एक ही समय इगतपुरी है। सब मैं सच कह रहा हूँ साहब, कसम से मेरे को कुछ मालूम नहीं साहब। तुझे सब पता है मुकेश, देख सीधी साधी पटाई नहीं होगी, जिन टांगों से तू इगतपुरी के घाट चढ़ा था ना वो टांगे ही नहीं रहेंगी, इसलिए ज्यादा टाइम वेस्ट मत कर और जल्दी बता कि तूने और अशोक ने किरण के साथ क्या किया था। बोल। 10 सेकंड के अंदर तुम्हारा पार्टनर, जिगरी दोस्त, भाई मुकेश तोते की तरह गाने लगा। प्यार करता था मैं उससे, बहुत प्यार करता था। तुम्हारा प्यार ही एक ढोंग था अशोक, तो आगे जो भी होना था वो ढोंग ही होना था। दिमाग खराब कर दिया था उसने मेरा, मायूस कर दिया था उसने मुझे। वो वापस आना ही नहीं चाहती, तलाक मांग रही है। तूने उसके लिए इतना कुछ किया, लाइन छोड़ा और अभी भी उसने तुझे माफ नहीं किया? अरे नहीं रे भाई, उसने तो मुझे माफ कर दिया था, सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन वो इसमें आ गया ना। वो उसके ऑफिस का दोस्त, क्या नाम है उसका? बादल। हाँ। साला चाबी मारता रहता है उसको, कान भरता है किरण के हमेशा। इस बादल को रास्ते से हटाना है,
सबक सिखाना इस साले को। मेरी जिंदगी में हाथ डालेगा, मेरी बीवी को पटाएगा, साले को काट डालना है। तू बादल को काटेगा तो किरण तेरे से हमेशा के लिए कट जाएगी। वो कैसे? क्योंकि वो जानती है कि तू उस पर शक करता है। तूने उसे बार बार बोला होगा कि उसका और बादल का अफेयर चल रहा है। वो जान जाएगी कि कांड तूने ही किया है और फिर तेरा पत्ता कट। अरे तो क्या हाथ पे हाथ धर के भजन करूं? जाने दो अपनी बीवी को दूसरे आदमी के पास। देख भाई, एक बादल जाएगा तो किरण दूसरे बादल पर चमकेगी। खोट तेरे ही घर के अंदर है। घर वो छोड़ रही है, बच्चे को अलग वो कर रही है, दिल वो तोड़ रही है, उसे घर आना ही नहीं है। मैं उसे घर से जाने ही नहीं दूंगा। घर तेरा रहा है भाई, वो लौटेगी मकान में और तुम दोनों रहोगे चार दीवारियों के अंदर, और वो घर नहीं होता। साला सोच सोच कर दर्द होता है कि वो मुझसे प्यार नहीं करती। ऐसे दर्द का सिर्फ एक ही इलाज है, या तो खुद मर जा नहीं तो उसे मार दे। ऐसा दर्द और किसी तरीके से नहीं जाता। लिख के ले मेरे से। इस जिंदगी में तो मैं उसे तलाक दूंगा ही नहीं। तलाक चाहिए ना उसे, तो इस जिंदगी से तलाक लेना होगा उसे। जी मैडम, मैंने ही परिल से उसे फोन किया था। हेलो। और हाँ, उस रात वो मेरे ही साथ थी हमारे घर पर, जिसे वो तोड़ना चाहती थी। लौट आओ ना। देखो, हमारे बीच अब भी प्यार है। नहीं है। याद करो उन दिनों को जब हम मिलते थे, जब तुम बस मुझे याद करती थी और मैं हाजिर हो जाता था। याद करो किरण, अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई तो ये जिंदगी मुझे छोड़कर चली जाएगी। किरण, मैं मरना नहीं चाहता। किरण, मुझे जीना है। किरण, मैं मरना नहीं चाहता। किरण, मुझे जीना है। और मेरे लिए जीने का मतलब तुम्हारे साथ जीना है। तुम्हारे बिना रोज मर रहा हूं मैं। मुझे बचा लो किरण, लौट आओ। मैं समझ गया था कि वो जज्बाती हो गई थी। उस रात मैंने फिर ढोंग किया, फिर से उसे मना लिया कि हम एक नई शुरुआत करने वाले हैं। मेरा ढोंग काम कर गया। वो मेरे साथ शिरडी आने को राजी हुई। उसे मना लिया कि दर्शन करके हम नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। वो मेरे साथ आ तो रही थी, लेकिन उसका चेहरा, उसका बदन, उसकी सांसें और उसकी नजरें सब एक ही चीज कह रही थी कि वो दरअसल मेरे साथ आ ही नहीं रही है। वो तो बस चल रही है। सही मायने में ये मेरे साथ कभी नहीं आएगी। ये करना नहीं चाहता था, लेकिन तुमने किया। एक ऐसी औरत को मार डाला जो तुम्हारे बच्चे की मां थी, जिसने तुम्हें एक नहीं कई मौके दिए थे सुधरने के लिए, जिस औरत ने तुमसे सच्चा प्यार किया, उसी औरत का कत्ल किया है तुमने। इतने दिनों से हमारी किरण मिली नहीं तो दिल बैठ गया था मेरा। मैं आज तक नहीं समझ पाया हूं कविता,
कि हमारी किरण अशोक से मिली क्यों? जब पहली बार किरण को अशोक की असलियत का पता चला था तभी उसे डिवोर्स दे देना चाहिए था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका क्रिमिनल पति उसी को मारने के जुर्म में गिरफ्तार होगा। डीएनए रिपोर्ट्स आई और रिपोर्ट्स ने पुष्टि की कि वो कंकाल किरण का ही था। आर्म्स एक्ट के तहत सजा काट कर जब अशोक रिहा हुआ तब उसने जुर्म छोड़ने की कसम खाई थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अपने दोस्त मुकेश के साथ मिलकर उसने किरण की पीठ पीछे कुछ और चोरियां की और उसके बाद उसका सबसे बड़ा जुर्म था अपनी पत्नी किरण का मर्डर। अशोक गोयल और मुकेश आठवले को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए और धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के लिए गिरफ्तार किया गया है। उन पर धारा 34 भी लागू की गई है। किरण के माता पिता किरण के बेटे राज को बड़ा तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें हमेशा चिंता सताती रहती है कि इस बुढ़ापे में वो राज के लिए कितना कर पाएंगे। राज अपने माँ बाप की दुखद कहानी जानने के लिए अभी बहुत ही छोटा है। ये तो वक्त ही बताएगा कि वो कैसे रिएक्ट करेगा जब वो ये जानेगा कि उसका बाप एक क्रिमिनल है और उसी ने उसकी माँ की हत्या की थी। प्यार एक बहुत ही घना बादल है जो प्रेमियों को एक ऐसी धुंध में लपेट देता है कि सच्चाई दूर दूर तक नजर ही नहीं आती। लेकिन जब ये प्यार का जज्बात एक रिश्ते का रूप लेता है, एक शादी में तब्दील होता है, तब असलियत से आंख मिलाकर कठिन सवाल पूछने चाहिए प्रेमियों को एक दूसरे से और उससे भी ज्यादा अपने आप से कि क्या ये रिश्ता वाकई हमारे लिए ठीक है, क्या ये रिश्ता हमें बेहतर इंसान बनाएगा। अक्सर अतीत के छुपाए गए कुछ अंश वर्तमान पर बुरी तरह से हावी होते हैं और ढोंग की नींव पर खड़ा ताजमहल प्यार की इमारत कभी नहीं बन सकता। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।